सब्ज चारे की पीएच को कम करके ज्यादा देर तक महफूज करने को साइलेज कहा जाता है। सब्ज चारे की जिस वक्त किल्लत हो तब चारे की कमी को पूरा करने के लिए साइलेज बहुत फायदेमंद रहता है। साइलेज बनाया कैसे जाता है ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। साइलेज असल में चारा महफूज करने का एक तरीका है जिसमें हम चारे की पीएच को कम करके महफूज बनाते हैं। साइलेज इसलिए बनाया जाता है ताकि सब्ज चारे की किल्लत के वक्त इसको बआसानी इस्तेमाल किया जा सके। डेयरी फार्मिंग में ज्यादातर वक्त जानवरों के चारे के हसूल के लिए जाया होता है जिसको साइलेज की मदद से इंतहाई कम किया जा सकता है। साइलेज बनाने का सबसे मुनासिब वक्त वो होता है जब मकई का दाना दूधिया स्टेज पर हो, इसे मिल्किंग स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। साइलेज बनाने के लिए छल्ली समेत मकई काटने के बाद अगला अमल इसको कुतरना यानी चॉपिंग है। इसके लिए मखसूस हार्वेस्टर या टोके का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अमल में इस बात का खास ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है कि मकई का दाना आधे से ज्यादा न टूटने पाए। मकई को बारीक कुतरने के बाद अगला कदम इसको पैकिंग करने का है। अगर पैकिंग मशीन यानी बेलर के साथ हो तो इसको मुख्तलिफ वजन की गांठों में प्लास्टिक शॉपर्स की मदद से एयर टाइट किया जाता है जिसको 28 दिन के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको कुतरने के बाद देसी तरीके से बनाना हो तो इसको जेर जमीन गड़ा खोद कर या बैंकर में बिछाने के बाद हर 6 से 8 इंच तय के बाद ट्रैक्टर की मदद से दबाया जाता है ताकि इसके दरमियान से हवा को निकाला जा सके, और फिर इसके ऊपर प्लास्टिक शापर बिछाकर इसको गीली मिट्टी से लिपाई कर दिया जाता है और 28 दिन के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमन साइलेज बनाने के 40 दिन बाद बआसानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल्स भी दस्तयाब हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद इसको 28 दिन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एकड़ में मकई की पैदावार तकरीबन 20 टन तक होती है, इस हिसाब से इससे हासिल होने वाला साइलेज भी तकरीबन 20 टन तक बनता है। एक दूधेल जानवर की दिन भर की साइलेज की खुराक 20 से 25 किलो है, जबकि 4 जानवर इसको साल भर खा सकते हैं। इस हिसाब से एक एकड़ से बना साइलेज 8 बड़े जानवरों के लिए काफी होता है। आजकल साल में मकई की फसल 2 दफा काश्त होती है जिससे आप भी साल में 2 दफा साइलेज बनाकर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।